नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं सागर मलिक। आज हम कंटिन्यू करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, और जो हमने सॉल्यूशन निकाले हैं उनको प्लॉट कैसे करते हैं। और इस वीडियो में हम थोड़ा जो पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसका एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, मैं पहले एक इक्वेशन की बात करता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये देखा था। फिर हमने देखा था पेयर ऑफ पेयर, अब हमने दो इक्वेशन ली थी, क्या ली थी, ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। फिर हमने इस चीज़ के हमने कंपेयर करके ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू की वैल्यू निकाली थी, ठीक है भाई, सी वन सी टू की वैल्यू निकाली थी। और हमें पता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो हम ग्राफ बनाते हैं वो हमारा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और अब हमारी जो इक्वेशन है, कितनी इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली बात है तो हमारी दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था कि जो दो स्ट्रेट लाइन बनेगी ग्राफ में, चाहे तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी या फिर पैरेलल लाइन होगी या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगी, ये सीखा था। और एक और चीज़ सीखी थी कि जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है यो यूनिक सॉल्यूशन होता है, जो हमारी पैरेलल लाइन होती है वो हमारा नो सॉल्यूशन होता है, और जिसमें हमारे कोइंसिडेंस मतलब कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है, इसकी कंडीशन भी मैंने आपको बता दी थी। आज मैं आपको क्या नाम है इसके ग्राफ कैसे, पहले इसके क्या नाम है सॉल्यूशन निकालते हैं, एक कुछ इक्वेशन लूँगा मैं, सॉल्यूशन आपको निकाल के दिखाऊंगा, फिर ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं वो भी आपको सिखाऊंगा। मान लो आपके पास इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू फोर, तो भाई सॉल्यूशन निकालते हैं। पहली बात तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन क्या होते हैं। सॉल्यूशन बेटा वो होते हैं एक्स और वाई की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे राइट हैंड साइड के इक्वल आए। जैसे कि मैं इसको मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है भाई, मैंने क्या किया पुट वाई इक्वल टू, जैसे मैं निकालता हूँ बहुत आसान तरीका मेरा निकालने का, मैं करता हूँ वाई की जगह जीरो रखना, मैं रखना है यहाँ पे एक्स प्लस जीरो इक्वल टू वाई, तो एक्स प्लस जीरो इक्वल टू फोर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई फोर, तो भाई फोर कोमा जीरो, फोर कोमा जीरो, मतलब कि अगर मैं ये जो हमारी जो आपका ये आया है ये आपका क्या है सॉल्यूशन है, ये आपका क्या है सॉल्यूशन है, मतलब कि x की वैल्यू जो पहले लिखते हैं वो x लिखते हैं, जो बाद में लिखते हैं वो क्या लिखते हैं y, x की वैल्यू फोर और y की वैल्यू जीरो पुट करने के क्या हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, देखते हैं x की वैल्यू क्या है फोर और y की वैल्यू क्या है जीरो, क्या इक्वल टू फोर, क्या हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आया, हाँ आया, तो आपका सॉल्यूशन ठीक है, अदरवाइज आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। और सॉल्यूशन निकालते हैं इसी क्वेश्चन के, अब दूसरा सॉल्यूशन मैं निकालता हूं, मैं क्या करता हूं, पहले तो मैं वाई को जीरो के इक्वल रखता हूं, फिर एक्स को जीरो के इक्वल रखता हूं, रखना भाई एक्स को मैं जीरो के इक्वल रखता हूं तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी फोर, ठीक है भाई। पहला सॉल्यूशन हमारा क्या है, हम इस ऐसे दिखते हैं, आपको याद आ जाएगा, ब्रैकेट बना के लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं हम y, ठीक है भाई। अब लिखना कि जब मैंने y की वैल्यू जीरो रखी तो हमारी x की कितनी आई फोर, ठीक है, x की जगह जीरो रखा तो y की वैल्यू कितनी आई फोर। अब और भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, अब हम कम से कम दो सॉल्यूशन निकालने मस्ट है, क्योंकि अगर हम दो सॉल्यूशन ही निकाल दें तो हमारा जो ग्राफ बनाते हैं, हम किसी चीज़ का भी ग्राफ बनाएंगे तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है भाई। अब मैं इसको आपको ग्राफ में प्लॉट करना सिखाता हूँ, ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं। ये जो आपकी लाइन होती है आपको पता है, ये आपकी x एक्सिस होती है, ये आपकी क्या होती है y एक्सिस होती है, ये आपको अच्छे से पता होगा। और जो ये पॉइंट होता है वो आपका ओरिजिन होता है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं जीरो, तो फर्स्ट वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ भी वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है भाई। अब इसने बोला फोर कोमा जीरो, फोर कोमा जीरो, फोर अरे जीरो कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है जीरो, तो ये फोर कॉमा जीरो पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये जीरो कॉमा फोर, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है जीरो, तो जीरो कॉमा फोर ये हो गया, ठीक है भाई। अब हमारे प्लॉट जो हमने सॉल्यूशन निकाले थे वो हमने प्लॉट कर दिए, इससे जो बनी इक्वेशन वो क्या हमारी लाइन, वो क्या हमारी लाइन, स्ट्रेट लाइन, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है। कैसे निकालते हैं, प्लॉट कैसे करते हैं, अभी हमने सीख लिया। अब एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, ठीक है।
जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी मैंने एक इक्वेशन लिया, आगे मैं दो इक्वेशन लिखता हूँ। चलिए अब देखते हैं हम पेयर ऑफ लीनियर। अब पहले तो एक एग्जांपल लिया था, मतलब कि एक इक्वेशन ली थी, अब दो इक्वेशन लिखते हैं। ऊपर ले लेता हूँ 2x + y = 6 और सेकेंड लेता हूँ मैं 3x + 4y = 12। अब हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे अलग अलग करके। 2x + y = 6, 3x + 4y = 12। ठीक है भाई, अगर मैं इसके सॉल्यूशन निकालूंगा तो क्या रहेंगे, मैं डायरेक्टली काट रहा हूँ एक्स वाई। अगर मैं x की जगह में 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या रहेगी, 6 यही रहेगी भाई। अब मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की 0 रखने पे 2 यहाँ चले जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है भाई, अब यहाँ करते हैं, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू मैंने 0 रख दी, y की क्या रही है, 4, वहाँ चला जाएगा 3। y की वैल्यू मैंने 0 रख दी तो x की वैल्यू क्या रहेगी, 4। ठीक है भाई, आपके सॉल्यूशन आ चुके, आप चेक भी कर सकते हो पुट करके। 0 पुट किया तो यहाँ पे 0 किया तो ये y की वैल्यू 6, यहाँ 0 किया तो 2 3 6, ये भी आपके ठीक है। यहाँ भी चेक कर लेना कि भाई 0 पुट किया, ये 0 हो गया तो ये 12। ठीक है भाई, आपका सॉल्यूशन यहाँ तक, आपके सॉल्यूशन ठीक है। प्लॉट करते हैं, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है। ठीक है भाई, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये आपकी वाई एक्सिस होती है। ठीक है भाई, एक एक करके हम पुट करते हैं। यहाँ लिया एक्स जीरो, एक्स जीरो कहाँ होता है, वाई एक्सिस पे, तो 6,0, 6,0 ये वाला पॉइंट। और फिर बोल दिया इसने कि ये आपका पॉइंट क्या है, 0,6। अब इसने बोला x की 3, ये है भाई x की 3 और y की 0, x एक्सिस पे जो y की वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, 0, तो ये आपका पॉइंट हो गया भाई। ठीक है, ये पॉइंट क्या हुआ, 3,0, 3,0। अब इसको मैं मिला लेता हूँ, ये आपका लाइन होगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन किसकी है, ये 2x + y = 6। अब भाई एक चीज़ और, अब इसको प्लॉट करते हैं, करना भाई कि x की जीरो मैंने बताया था y एक्सिस पे होती है, और y की 3, ये हमारा पॉइंट हो गया, किस कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, 0,3। अब लेंगे हम कौन सा, कि y x की 4 और y की 0, ये हमारा पॉइंट कौन सा है, 4,0। तो भाई इन दोनों को भी मिला देते हैं, ठीक है भाई, इसकी मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, इक्वेशन क्या है, 3x + 4y = 12। एक और चीज़ मैं आपको बताना जा रहा हूँ, जो मैंने बताया था वीडियो में, कि भाई अगर दो, अगर आप ग्राफ में प्लॉट कर रहे हो, आपसे बोल दिया गया है कि आपके पास अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हमने नहीं सीखा है, तो अगर आपसे बोल दिया गया कि ग्राफिकली बताओ कि इसका सोल्यूशन क्या रहेगा, मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या रहेगी, कभी भी अगर आप ग्राफ बनाते हो, प्लॉट करते हो, जो भी ग्राफ बनाते हो, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती है वो एक्स और वाई की वैल्यू, जैसे यहाँ पे क्या है, किस पॉइंट पे कर रही है, 3,2 पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ग्राफिकली हम ऐसे सॉल्व करते हैं, मतलब कि दोबारा बताता हूँ, जहाँ दो लाइन इंटरसेक्ट करे, जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती है वो आपका सॉल्यूशन हो जाता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, अगली वीडियो में हम NCERT सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।